अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद राशिद है। मैं NMGA में इंटर क्लासेस को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव जो है ये कैलकुलस का कोर टॉपिक है। इसके दो इन्वेंटर हैं, एक लेबनिज़ है और दूसरा न्यूटन है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेरिवेटिव्स के दो डेफिनेशंस हैं, इसके दो अप्रोचेज हैं। एक इसकी फिजिकल अप्रोच है और दूसरा इसकी ज्योमेट्रिकल अप्रोच है। डेरिवेटिव की जो फिजिकल अप्रोच है, ये हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है, और इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेरिवेटिव की फिजिकल अप्रोच को स्टडी करेंगे। तो डेरिवेटिव जो है ये हमें बताता है कि कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है। इट टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। जब लफ्ज चेंज का आता है तो चेंज दो तरह का होता है, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। और दरअसल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही डेरिवेटिव कहलाता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ने से पहले हम रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे और एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है और हमें इसकी क्यों जरूरत पेश आई है। अब स्टूडेंट्स देखें, जब कोई चीज चेंज होती है तो वो किसी दूसरी चीज के कंपैरिजन में चेंज होती है। एक चीज चेंज हो रही है वो किसी दूसरी चीज के लिहाज से चेंज हो रही है, उसके कंपैरिजन में चेंज हो रही है। तो फिर हम उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कि अगर ये एक एंटिटी है और ये दूसरी एंटिटी है, तो एक एंटिटी में चेंज दूसरी एंटिटी में चेंज के लिहाज से कितना हो रहा है, इसके दरमियान ये जो रिलेशनशिप है, चेंज इन वन डिवाइडेड बाय चेंज इन टू, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शख्स लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहा है और 400 किलोमीटर उसने ट्रैवल करना है, 200 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया है, फर्दर 200 किलोमीटर उसने ट्रैवल करना है। मैं आपसे पूछूं, जी बताएं कितना टाइम लगेगा, तो इसका आंसर कितना इतना आसान नहीं है। जब तक आप एक रिलेशनशिप ना डेवलप कर लें, किस किस के दरमियान, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, आपको पता चले कि टाइम के कंपैरिजन में डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। अगर आप ये रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हैं कि वो कितने टाइम में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अब हर फील्ड में मुख्तलिफ किस्म के रेट ऑफ चेंज हैं, जिनको हम मुख्तलिफ नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, रन रेट है, ग्रोथ रेट है, इंटरेस्ट रेट है, ये सारे रेट ऑफ चेंजेस हैं। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म का रिलेशनशिप होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने रिलेशनशिप जो डिफाइन किया है, ये डिस्टेंस और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप है। अगर आप रन रेट की बात करें तो ये स्कोर और ओवर के दरमियान रिलेशनशिप होता है। तो हर फील्ड में मुख्तलिफ किस्म के आपको रेट ऑफ चेंजेस मिलते हैं, तो जिनके में हम रिलेशनशिप जो है वो डिवेल्प करते हैं। अब यहाँ तक हमने रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ा है, अब हम देखते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करता है, तो अगर हम उसकी स्पीड फाइंड आउट करना चाहें तो स्पीड फाइंड करते हैं चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये फार्मूला जो है ये हमें एवरेज स्पीड या एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है ये बाज़ औक़ात हमारे लिए काफ़ी होता है और बाज़ केसेस में ये हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं देता।
जिसके लिए हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की ज़रूरत पेश है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शख्स गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है और किसी लम्हे टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड में उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं पूछता हूँ, जी बताएं कि ड्राइवर को कितनी चोटें आईं या गाड़ी की कितनी डिस्ट्रक्शन हुई, क्या इसका इन्हसार एवरेज स्पीड पे है या किसी और किस्म की स्पीड पे है? तो आप कहेंगे कि इसका इन्हसार एवरेज स्पीड पे तो नहीं है, इसका इन्हसार तो उस स्पीड पे है जो उस वक़्त उसकी स्पीड थी, या उस लम्हे या एक्सीडेंट के लम्हे जो उसकी स्पीड थी, तो डिस्ट्रक्शन का इन्हसार उसका दारोमदार उस स्पीड पे है। तो वो जो उस लम्हे उसकी स्पीड थी, उस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंट स्पीड कहते हैं। और बेसिकली ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, यही हमारा डेरिवेटिव है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि डेरिवेटिव की जो फिजिकल अप्रोच है वो बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। उम्मीद है आपको डेरिवेटिव समझ आया होगा। इसकी जो नेक्स्ट अप्रोच है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।